इंदौर जहरीली शराब मामले में इंदौर पुलिस ने खुलासा करते हुए पैराडाइज बार और सपना बार संचालक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इन्हीं दोनों बार में बैठकर शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों बार को सील कर दिया है। पुलिस अब सभी आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई के लिए कलेक्टर जांच रिपोर्ट देगी। वहीं अब पुलिस इनसे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। इंदौर में बार संचालक लोगों को शराब के रूप में परोस रहे थे। जहरीली शराब पीने से हुई थी 5 युवकों की मौत। पुलिस ने दोनों बार किए सील। बार संचालक सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी हां, इंदौर के एरोड्रम स्थित बांगड़दा में पैराडाइज बार और मरीता चौराहे पर सपना बार में पिछले दिनों शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2 युवक अब भी अस्पताल में भर्ती है जिनकी हालत नाजुक है। मामले के बाद पुलिस ने दोनों बार को सील कर वह से शराब के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें पाया कि शराब जहरीली थी। उसमें मिथेन अल्कोहल मिक्स था, जिससे युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सपना बार और पैराडाइज बार के संचालक सहित 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके बार को सील कर बार का लाइसेंस भी आबकारी विभाग ने निरस्त कर दिया है। वहीं अब पुलिस इस मामले में पूरी चेन तोड़ने लगी। पुलिस का मानना है कि जहरीली शराब शराब मोटका में बनती है और वहीं पैकिंग होकर उन्हें अन्य जगह अप्लाई किया जाता है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पूरे मामले की जांच एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन को सौंपी है। जहरीली शराब की कीमत पूरी कहीं को ब्रेक करने के लिए पुलिस की कई टीम इसमें काम कर रही है। इसमें कई आरोपी हैं जो पुलिस के निशाने पर है और पुलिस उनकी जन्म कुंडली खंगाल रही है। जहरीली शराब कांड में कई और आरोपी बनेंगे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगा रही है कि आरोपी कहां से जहरीली शराब लाते थे और उन्हें कौन सप्लाई करता था। बहरहाल पुलिस ने 5 युवकों की मौत के बाद 5 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस क्या इन जहरीली शराब माफिया की चेन ब्रेक कर पाती है। शराब पीने के कोई तथ्य आए हैं तो अभी मतलब और ना ही उसकी विस्तृत रिपोर्ट में मिथाइल एल्कोहल की पुष्टि हुई है। वो मर्ग कायम है, इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं, जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार। मतलब 4 लोगों की मौत हुई है नकली लोग। यस, अभी इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 जिसमें रिकॉर्ड में है, 1 की सूचना नहीं प्राप्त हुई। उसके अलावा 2 अन्य लोग, रिंकू वर्मा और एक मोहन ठाकुर, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एक एडमिट थे और एक CHL में उनका इलाज चल रहा है। कल एक नया घटनाक्रम सामने आया। हमें सूचना प्राप्त हुई थी जूनी इंदौर थाना प्रभारी को कि एक युवक तरुण ने शराब का सेवन किया और उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित हुई और वो CHL अस्पताल भर्ती है। उसके भाई ने थाना जूनी पे ये सूचना दी। जैसे ही सूचना मिली, उस सूचना का रिएक्शन आप लोगों ने कल पुलिस के एंड पर देखा होगा। सूचना मिली तो इस बात की आशंका मिली कि जिस प्रकार से ये शराब यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही रॉयल स्टेक शराब भी मनीष जो फरियादी उसके भाई तरुण ने पी थी, तो ये संभावित हो सकता है कि वो शराब का लॉट और भी जगह कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। इसी कारण से जैसे ही सूचना मिली कि एक और व्यक्ति इसका शिकार या इससे प्रभावित हुआ, तत्परता से मैंने आप सबके बीच में आकर ये बात रखी कि यदि किसी ने लूज शराब खरीदी है या कोई लूज शराब खरीद कर किसी बार यादि में उसका उपयोग कर रहा है तो कृपया उपयोग ना करें। वो खतरनाक हो सकती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। और जैसा कि DI साहब ने बताया, पिछले 3 दिनों से लगातार पुलिस इसमें कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। जो पैराडाइज बार और सपना बार का संचालक है, जो उनके मालिक हैं, उन लोगों को लगातार पूछताछ करके उन्होंने ये बताया कि पंकज सूर्यवंशी नामक युवक ने उन्हें ये सप्लाई की थी। पुलिस ने पंकज सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है, प्रकरण में आरोपी बनाया है। पंकज से बातचीत पर और जो साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने आए हैं उन पर
वंटी उर्फ राहुल के द्वारा पंकज को सप्लाई करना पता लगा है। वंटी चूंकि सप्लायर है जिसने पंकज को सप्लाई की थी, इस बात की आशंका थी कि वंटी ने पंकज के अतिरिक्त तो और भी लोगों को दी हो सकती है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता बंटी को इसलिए भी पकड़ना थी कि वो अपराध में मुलजिम तो था ही, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि उसने किसको सप्लाई की है उसको पता लगाएं, ताकि यदि किसी और को सप्लाई की है तो उनको चेतावनी दी जा सके कि वो उसका उपयोग ना करें। राहुल इसमें इन्वॉल्व था, इसको ही वॉज द की इन सप्लाइंग दी स्पूरियस लेकर, और उसका दुर्भाग्य से ध्यान था। कारण क्या है सर? सेल्फ ऑफ खैर, अब वो उसका पीएम होकर के और सुसाइड। शराब माफिया से जुड़े लोगों का भी कोई कनेक्शन है क्या? अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हमारा इन्वेस्टिगेशन ओपन है और इसमें जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके विरुद्ध। सर, रॉयल स्टेक के अलावा कोई और ब्रांड भी आएगा सामने? जी, रॉयल स्टेक के अलावा कोई और ब्रांड भी आएगा सामने? वहाँ पे जो लेबल्स मिले हैं उसमें अन्य ब्रांड्स के भी नाम हैं, और ये आप लोगों के माध्यम से ये भी एक चीज़ सबको बताना चाहेंगे कि विधिवत अधिकृत सोर्स का ही इस्तेमाल पब्लिक द्वारा किया जाए। कोई भी स्पूरियस सोर्स या कहीं कोई सेकेंडरी सोर्स से अगर प्रोक्योर करते हैं तो वो पॉइजनस हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एसपी वेस्ट ने शायद दो दिन पहले एडवाइजरी भी जारी की थी। जी हाँ, उसमें जो घायल व्यक्ति है वो अभी इलाजरत है। उसकी भी जो है वो मिथाइल अल्कोहल की ही उसकी सिम्टम्स हैं, और उसमें भी केस रजिस्टर कर लिया गया है। वो एक दीगर सोर्स से खरीदी गई थी, उसका एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, उसमें भी रॉयल स्टैक था। ये इंदौर में बन रही है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जैसा कि साहब ने बताया था, 23 तारीख को पैराडाइज बार में 7 दोस्तों ने शराब पी थी, उसमें से एक दोस्त सागर की 24 तारीख को मृत्यु हो गई, परंतु उसके परिवारजन ने या किसी दोस्त ने उसकी मृत्यु रिपोर्ट नहीं की। उसके परिवारजन उसको सीधे महाराष्ट्र ले गए, वहाँ उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। 25 तारीख को शिशिर तिवारी की मृत्यु होने पर थाना एरोड्रम में रात को सूचना मिली और उस पर से मर्ग कायम किया गया। तत्समय जो परिस्थितियाँ थीं, एक लाइसेंसी बार था और जो सिम्टम जिसको हम कहते हैं जहरीली शराब के, वो वैसे सामने नहीं आए थे। तो इस कारण उस समय उसको ऐसा लगा गया कि चूंकि बहुत देर तक शराब पी है और बहुत सारा उन्होंने खाना खाया है, तो इट मे पॉसिबल के कुछ फूड पॉइजनिंग जैसा भी हो सकता है। परंतु 27 तारीख की सुबह, मतलब 26 तारीख की देर रात में सचिन गुप्ता की मृत्यु हुई, जिसने थाना बाणगंगा क्षेत्र में स्थित सपना बार में शराब पी थी। जब उसका पता लगाया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तो वहाँ उसने रॉयल स्टैग शराब पी थी, पैराडाइज बार में भी रॉयल स्टैग शराब पी थी। तो सचिन गुप्ता की जब मौत हुई और एक साथी रिंकू वर्मा जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और रिंकू को जो सिम्टम डॉक्टर ने बताए, तो वो नकली शराब या जहरीली शराब के थे, मिथाइल अल्कोहल जैसे सिम्टम थे। तो जैसे ही पीएम रिपोर्ट हुई, तत्काल हमने डॉक्टर को परसू करके पीएम रिपोर्ट प्राप्त की। पीएम रिपोर्ट में उन्होंने काज ऑफ डेथ कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलर और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग बताया था। ये आशंका, चूंकि दो जगह इसी प्रकार की घटना रिपीट हुई है और दोनों जगह रॉयल स्टैग शराब सामने आई है, हमने बहुत अनुरोध करके और उनको परसू करके बात करके इसकी एफएसएल रिपोर्ट मिश्रा की जांच शीघ्रता से कराने का प्रयास किया। और जो प्रोटोकॉल है कि 72 घंटे मिनिमम लगते हैं, उन 72 घंटों में हमने उसकी रिपोर्ट प्राप्त की। क्योंकि दो जगह घटना, और इस मीन टाइम में जब तक ये रिपोर्ट आ रही थी तब भी पुलिस अपना काम कर रही थी। हमने बार के संचालकों से बात की, उनसे सख्ती से इंटरोगेट किया, स्टाफ को भी इंटरोगेट किया, तब ये बात सामने आई।
कि वो लाइसेंसी दुकान के अतिरिक्त और एसपी से अनुरोध किया और उन्होंने अपने स्तर से उसको मनीष को पकड़ा और हमारी बिठा के रखा है। हमारी टीम आगे की कार्रवाई करने के लिए रवाना हो गई है। मनीष जब सामने आएगा तो मनीष से ये पता लगेगा कि मनीष किस से शराब खरीदता था, किसकी शराब को यहाँ पर सप्लाई कर रहा था। आगे ये कड़ियाँ और लाइसेंसी दुकान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से शराब ना खरीदें, वो आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि आपके गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति आपको 100-200 रुपए कम में शराब बेच रहा है तो कृपया पुलिस को सूचना दें। और जो भी बार संचालक हैं, 200 रुपए एक बोतल पे बचाने के लालच में उन्होंने लूज शराब खरीदकर अपने ग्राहकों को बेची और वो इस 200 रुपए के लालच के चक्कर में हो सकता है उनको 10-20 साल की सज़ा हो। इन तीनों ही अपराधों को हमने चिन्हित अपराध घोषित कर दिया है। अपने CSP और एडिशनल SP साहिबान के निर्देशन में इसकी विवेचना जल्दी पूर्ण कराकर हमारा उद्देश्य है कि हम शीघ्रता से इसकी ट्रायल भी पूर्ण करा के आरोपियों को सजा दिलवाएं। एनी क्वेश्चन? रॉयल स्टैग एक बड़ा ही लोकप्रिय ब्रांड है और बहुत सारे लोग जो पीते हैं उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। तो चूंकि ज़्यादा सेवन करते हैं तो जो लोग नकली बना रहे हैं उनको भी लगा चूंकि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है तो ये सबसे ज़्यादा बिक जाएगा। यही कारण है कि जो भी घटनाएं सामने आई हैं वो रॉयल स्टैग जो बनाया गया एक लॉट बना है उसके कारण से ये सामने आई हैं। तो IG साहब और DI साहब के निर्देश पर लगातार सभी इंदौर के अधिकारी इस पूरे रैकेट को अपने दूसरी व्यस्तताएँ, दूसरे कानून और व्यवस्था की ड्यूटियों के बावजूद भी लगातार इसमें काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी इंदौर ज़िले में लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई थी, जो वर्ष 2019 की तुलना में कई गुना ज़्यादा थी। लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चन? से बसें आती हैं उनमें कार की बसों में रख के सप्लाई करके भेजता है, उसमें वो बड़ा अच्छा सा पैक बना के और कांच का सामान इस तरह से करके वो उसको लिखता है। जैसे ही मनीष की सूचना मिली तो हमको शायद बेईमानी होगी, बट जिस हिसाब से, जैसा कि साहब ने बताया, जिस हिसाब से रैपर और सामग्री मिली है आप उससे एक अंदाज लगा सकते हैं किस पैमाने पे बनाता या बनाई होगी। एक आबकारी विभाग ने कार्रवाई की थी खाती वाला टैंक से एस्टैब्लिश ना हो कि वो उनकी जानकारी के साथ आ रहा है तब तक किसी को आरोपी नहीं कहा जा सकता। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। सर ओवरऑल किस टायर है? बंटी के तार कामता प्रसाद जो कि मंदाता जिला खंडवा का रहने वाला है उसके साथ में उससे जुड़े हुए थे, जिससे ये पता लगा है कि वो वहाँ से शराब लाता था और जहाँ पंकज या पंकज जैसे और दूसरे लोगों को भी देता था। पंकज ने किस किस को दी या बंटी ने किस किस को दी, जो भी हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं हम उनके आधार पर इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। कामता प्रसाद का चूँकि इसमें भी नाम सामने आया है, वो मेन सप्लायर है, तो उसको भी इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। कामता प्रसाद खरगोन पुलिस ने, कालका प्रसाद काल से, ये आपको अच्छे से मालूम है। इस प्रकार की जब बातें आप लोगों के बीच में से आती हैं तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। ये सबको मालूम है कि वो सल्फास खाकर गया था, महू नाके पे सल्फास खाकर गया था। जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया तो उसने बताया मैं सल्फास खा के आया हूँ। उसके परिवारजन बाहर थे, तत्काल उनके साथ में उनको रवाना किया गया, पुलिस भी भेजी गई। ये सबको मालूम है, ओपन फैक्ट कि वो मऊ नाके पर सल्फास खाकर गया था थाने। जैसे ही पता लगा वैसे ही पुलिस ने तत्परता से उसके परिवारजन के साथ में उसको चौथा अस्पताल में भेजा, दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। जो पंटी उर्फ राहुल की जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसके परमार जो पंकज सूर्यवंशी हैं उसके अलावा भी कालका प्रसाद से वो शराब खरीदता था और कई सारी दूसरी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं। मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही जूनी वाला केस सामने आया तो जो हमारे एडिशनल SP CSP और थाना की टीमों ने, थाना जूनी, थाना भौंरकुआ, तत्काल उस बंटी सुगवानी को पकड़ने जो नाम आया था, फिर बाद में उसका सरनेम पता लगा,
उसको पकड़ा, फिर उससे और इंटरोगेट किया तो दो उसके साथी और पकड़े, नवीन और सोनू। उनको पकड़ने के बाद हमको 24 पेटी और चोरी 24 बोतल रॉयल स्टेक की शराब और मिली। जब उससे पता लगा तो उसने दो नाम बताए कि मैं जिमी से भी खरीदता हूँ। जिमी से मैंने 6 बोतल खरीदी थी, वो 6 बोतल मैं से एक बोतल तरुण को दी थी। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि जो 6 बोतल हैं जिनको दी गई थी उनको कोशिश किया, मैसेज करा, एक को मैं फ़ोन लगाया कि भाई अगर आपने उपयोग ना की हो तो ना करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी, उसकी तबीयत खराब ना हो, ताकि उसको हम कैसे रोक सकें। जूनी वाले प्रकरण में जो आप कहेंगे कि वो दुकान तो बार आबकारी वालों को जांचने का अधिकार है, आबकारी वालों से आप कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं इस बात जी? वो साथ में हैं और ये जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं उसी प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। वो तात्कालिक रूप से जब ये तथ्य आया था कि भाई ये कहाँ से इन्होंने शराब पी है, तो ये केवल यही तथ्य मालूम था कि वह उन्होंने अधिकृत बार से शराब पी है। लेकिन जब फिर इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर ये प्रकाश में आया कि इन्होंने दूसरे सोर्सेज से भी ये क्रय की है, तो ये चीज़ें इसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई आगे बढ़ी है। सर, आसपास के जो आरोपी हैं, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई हैं कि खरगोन में खंडवा सच खंडवा जिला लगता है, जिला लगता है, वहाँ ये बॉटलिंग करते थे, ये फेक स्पिरिट और मोस्ट प्रोबेबली ओपी या कोई और स्पूरियस स्पिरिट इस्तेमाल करते थे, जिसमें एसेंस डाल करके और बॉटल्स को सील कर देते थे और उस पर फेक होलोग्राम पूरा लगा करके और इसको मार्केट में ले आते थे, सस्ते दाम पे लाते थे, जिसका कि कारण ये फिर लोग क्रय कर लेते थे। पीएम के बाद उसके विसरा में कोई पॉइजन या अल्कोहल होना नहीं आया। नहीं, पीएम में सर बता रहे थे एसपी साहब के पॉइजन मिला था। नहीं, ये चूंकि वो वहाँ मौजूद था लेकिन उनके परिजनों ने पहले से ही इनकार किया था और फिर अब तो खैर उसका कंफर्मेशन हो, उसने शराब भी नहीं पी थी वहाँ। सर, कोई कितने आरोपी टोटल एज ऑफ नाउ 5 हैं और इसमें लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो जो इस चेन में व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाएगी उन सबको इसमें आरोपी बना के उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। ये 5 सिर्फ पैराडाइज बार संचालक से जुड़े हुए हैं या खरीद जिन्होंने? नहीं, अन्य भी हैं जो इसमें, इसकी जितनी चेन अभी एस्टेब्लिश हुई है तो वे लोग भी इसमें हैं जिन्होंने बेचा है, जो इस चेन में लेके आए हैं वे सब इसमें आरोपी अभी बनाए गए हैं और जो इस चेन को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये नकली या जहरीली शराब जो थी ये पकड़ाई भी है कुछ कहीं से, बरामद हुई किसी बार से या किसी और? उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि सैंपल्स लिए गए हैं और कुछ जगहों से उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन जांच कराई जा रही है कि ये कहाँ बन रही है, क्योंकि जो खंडवा खरगोन और उस एरिया में वहाँ पे बड़ी संख्या में ये इसके स्टिकर्स और होलोग्राम्स और अन्य मटेरियल बरामद हुआ है, वो भी उसकी जांच कांश है। सर, पहले शहर के 2 बार्स हैं, एक पैराडाइज बार है एरोड्रम क्षेत्र में और एक सपना बार है मरी माता। ये रिपोर्ट आई कि इस इन बार्स में शराब पी करके लोगों की तबीयत ख़राब हुई। इस पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पैराडाइज बार में गत फ्राइडे को 7 लोगों ने शराब पी थी, उसमें से 2 लोग फौत हुए, उनके मर्ग कायम किए गए और उनका पीएम करा करके विसरा की जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट में इथाइल अल्कोहल के साथ साथ मिथाइल अल्कोहल भी होना पाया गया। मिथाइल अल्कोहल डेडली पॉइजन है और इस पॉइजन के फलस्वरूप इनका देहांत हुआ है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिए गए हैं अंडर सेक्शन 304, 328, 49A ऑफ एक्साइज एक्ट और विश अधिनियम और जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो लगा दिए गए हैं। इसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरा, सपना बार में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिनका कि अभी विसरा की जांच रिपोर्ट आना शेष है। एक उल्लेखनीय चीज़ ये है कि इसमें रॉयल स्टैग नाम की शराब पी गई थी और संभवतः उसी में ही ये पॉइजनस अल्कोहल कंटेमिनेटेड अल्कोहल होना पाया गया था, जिसकी वजह से ये लोगों की मृत्यु हुई।
दो लोग इसमें अभी घायल हैं, घायल इन द सेंस कि वो पॉइजनिंग के सिम्टम्स से हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रकरण में रेलिवेंट सेक्शंस में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं। दोनों बार्स के जो ओनर्स हैं और कर्ता धर्ता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। और ये कहाँ से अल्कोहल प्रोक्योर किया गया, ये क्योंकि ये एक्साइज द्वारा संचालित जो अधिकृत बार्स हैं, तो ये स्पूरियस लिकर इनमें कहाँ से आई, ये एक अनुसंधान का विषय है और इस पे अनुसंधान हमारे एसपी वेस्ट और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। विल कम टू द बॉटम ऑफ इट, ये लाना कहाँ से शराब लाई गई, किसके माध्यम से लाई गई, कहाँ इसका निर्माण हुआ, किस माध्यम से लाई गई है यहाँ पे और इन्होंने कब प्रोक्योर की, कब खरीदी और कब सर्व की, उसका सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया गया है वहाँ से और बार्स सील कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की गई है और इस पे एक क्रैकडाउन हमारे द्वारा यहाँ किया गया है कि अवैध शराब और अन्य अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करने की नीयत से। एक दूसरा विषय